Now we will see messages and system tolerance. Now, what is messages and system tolerance? जब भी हम सिस्टम डिजाइन करते हैं तो सिस्टम डिजाइन करते समय हमको एज ए डेवलपर टाइम टू टाइम अपने स्क्रीन पे रेलेवेंट मैसेजेस, रेलेवेंट एरर मैसेजेस, रेलेवेंट सक्सेसफुल मैसेजेस डिस्प्ले करना होता है ताकि यूजर जो सिस्टम को यूज करने वाला है वो बहुत कंफर्टेबली उस चीज को यूज कर सके, प्लस जो भी मैसेज फ्लैश आउट हो रहा है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे वो प्रॉपरली उसको समझ सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने टाइप कर पासवर्ड और यूजर नेम ले रहे हो, ठीक है। अब वहां पे मैसेज आपने पहले से अगर मेंशन किया कि आपका पासवर्ड जो है वो 8 कैरेक्टर्स लेंथ का विथ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट, कैपिटल अल्फाबेट, स्मॉल अल्फाबेट, नंबर्स एंड वन स्पेशल कैरेक्टर, ऐसा अगर पहले से मेंशन किया तो यूजर को तुरंत में समझ में आ जाता है कि मुझे यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड है। तो वो अगर उससे कम या ज्यादा या उस पैटर्न में नहीं डालता है तो दैट विल जनरेट एरर, एंड व्हाट इज द रेलेवेंट एरर यू कैन सी ओवर देयर, ठीक है। तो अभी ये मैसेजेस किस तरीके से बनाए जाने चाहिए, कौन सी गाइडलाइंस हम लोगों ने फॉलो करनी चाहिए, वी कैन सी फॉर दैट। सो बेसिक गाइडलाइंस इन मैसेज डिजाइन आर प्लेस मैसेज इन अ कंसिस्टेंट लोकेशन ऑन अ स्क्रीन, कभी यहाँ पे, कभी वहां पे, कभी वहां पे, ऐसा नहीं। तो यूजर को समझ में आएगा कि अगर मैंने मिस्टेक किया या कुछ भी सक्सेसफुल होता है तो वेयर दैट मैसेज विल बी लोकेटेड। सेकेंड, सिलेक्ट वोकैबुलरी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंड यूजर व्हाइल द एप्लीकेशन इज डिजाइन। डेवलपर को टेक्निकल लैंग्वेज पता है, यूजर इज अ ले पर्सन, तो यूजर के हिसाब से वो मैसेजेस में जो भी वर्ड्स यूज होने वाले हैं, अगर मैं ऐसे करूँ कि सर्वर नॉट सपोर्टिंग द ट्रांजेक्शन तो वो शायद नहीं आएगा समझ में यूजर को, जबकि ऐसा अगर लिखे कि आपके अभी जो ट्रांजेक्शन आप पैसा निकालना चाह रहे हो वो आपके बैंक के साथ कुछ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, इसकी वजह से आपका पैसा नहीं निकल पा रहा है, तो ये यूजर को आसानी से समझ में आएगा। बी एज स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज एज पॉसिबल, आपका जो भी मैसेज जनरेट होना चाहिए या डिस्प्ले होना चाहिए वो बहुत रेलेवेंट और बहुत स्पेसिफिक और कम से कम वर्ड्स में स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। कीप वर्ड ब्रीफिंग सिंपल एंड इन एक्टिव वॉइस, इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट यू शुड पुट पासवर्ड इन दिस वे, नो, पुट पासवर्ड लाइक दिस, बी स्पेसिफिक एंड बी इन एक्टिव वॉइस, ठीक है। अवॉइड कॉम्प्लेक्स क्वेरीज एज मच एज पॉसिबल, जितने भी यू हैव नॉट पुट स्पेशल कैरेक्टर विच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी पुट, ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेरीज और निगेटिव मैसेजेस नहीं डालना चाहिए। जितने भी मैसेजेस हैं इट शुड बी इन अफर्मेटिव टोन, ठीक है। मैसेजेस जब भी आप कर, अभी आपने तो तुमने जो एक्सपेक्ट किया था वो यहाँ नहीं डाला, उनको समझता नहीं क्या, ऐसे वाले मैसेजेस नहीं होने चाहिए। इट शुड बी अ वेरी कर्टियस, सम डिसिप्लिन वे, प्रॉपरली डिग्निटी मेंटेन करके वो चीजें मैसेजेस में डिजाइन होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज ऐसा डिग्रेडिंग, नॉन ऑथोराइजेशन, ऐसे वाले मैसेजेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। अवॉइड एक्रोनिम्स, एब्रीवेशंस और काउंटर एक्शंस इफ पॉसिबल, इफ नॉट वन शुड हैव दैट डॉक्यूमेंट एक्सप्लेनिंग द मीनिंग दैट इज अवेलेबल टू यूजर एंड ईजी टू एक्सेस। डिस्प्ले मैसेज वेन इमीजिएटली यूजेबल, आपने यूजर नेम पासवर्ड बनाया, पूरे 4 फॉर्म भर लिए ना, अब आप मैसेज जनरेट कर रहे हो, अरे तुमने यूजर नेम पासवर्ड गलत लिखा था, तो यूजर विल हैव दैट स्ट्रेस और ही विल गो क्रेजी, ओके। ऑफर कंस्ट्रक्टिव मैसेज एंड दैट टेल व्हाट नीड्स टू बी डन, द डायरेक्शन शुड बी इन टेम्पोरल सीक्वेंस, इंडिकेट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शंस, प्लीज पुट प्रॉपर पासवर्ड फॉर सक्सेसफुल लॉग इन। तो इससे यूजर को समझ में आ जाता है कि मुझे क्या करना है, किस तरीके से करना है।
Now, when we are designing the information system, our system should be error tolerant, मतलब उसमें एरर्स आते हैं तो वो प्रॉपरली हैंडल होने चाहिए. टॉलरेंट मीन्स व्हाट? दे आर बाउंड टू कम, बट व्हेन दे आर कमिंग द सिस्टम शुड नॉट कोलैप्स. ठीक है, सो इट शुड बी एरर टॉलरेंट, इट शुड बी सीक्वेंस टॉलरेंट एंड इट शुड बी प्रोसीजर टॉलरेंट. एरर टॉलरेंट मतलब आपके सिस्टम, आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम में कोई भी एरर आए उसको प्रॉपरली हैंडल किया है कि नहीं. जैसे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग में देखते हैं, तो अगर ऐसे सारे जो भी एक्सेप्शन है वो अगर प्रॉपर थॉट दे के करे तो हमारा सिस्टम क्या रहेगा? एरर टॉलरेंट रहेगा. सीक्वेंस टॉलरेंट, जिस सीक्वेंस में हमने वो चीजें डेवलप करनी है, अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, किसी ने कुछ आगे पीछे अगर कर दिया, तो क्या वो सिस्टम वापस से जैसे एक्सपेक्टेड है वैसे ही रन होगी या बीच में से कैसे भी रन होगी? सो दैट इज सीक्वेंस टॉलरेंट. देन प्रोसीजर टॉलरेंट, जो प्रोसेसेस होनी चाहिए, चाहे आप कैसा भी कितना भी अब्रप्ट डेटा हो, उसने वैलिडेट करना ही चाहिए. आपने कुछ भी पासवर्ड दिया, उसने रैंडम पासवर्ड नहीं लेना चाहिए, जो एक्सपेक्टेड पासवर्ड है वो ही लेना चाहिए. सो देन दीज टाइप ऑफ प्रोसीजर्स आर कॉल्ड एज प्रोसीजर. देन दिस टाइप ऑफ सिस्टम डेवलप्ड विद सच टाइप ऑफ प्रोसीजर्स, देन दे आर कॉल्ड एज प्रोसीजर टॉलरेंट. सो पहला है एरर टॉलरेंट, मतलब क्या? मेनी पीपल हु इनपुट डेटा लैक टेक्निकल ट्रेनिंग एंड कंप्यूटिंग एक्सपर्टीज. तो क्या होता है कि जब आप काम कर रहे हो ना, दे बिकम टेंस वाइल वर्किंग एट द टर्मिनल, और फिर वो दे आर प्रोन टू मेक द मिस्टेक्स. तो जब यार मेरे से गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो जब मेरा थॉट ही अगर वैसा है तो विल आई मेक द एफिशियंट यूज ऑफ माई सेल्फ एंड माई एफर्ट्स? नो, दिस फीलिंग विल रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी. बट अगर सिस्टम एरर टॉलरेंट है, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल येस के लिए किसी ने YASS लिखा, YES लिखा, YA या और Y, तो अगर ऐसा कुछ भी लिखा, यू हैव गिवन द फ्रीडम टू द यूजर कि उसने ऐसा कुछ भी लिखा, येट दैट पर्टिकुलर सपोज सिस्टम इज फंक्शनल, तो यहाँ पे यूजर को दिक्कत नहीं जाएगी. देन ऑल दीज वेरिएशंस फॉर येस नो आर एक्सेप्टेड. फिट टू गाइड द यूजर इन डेटा एंट्री इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द एरर्स, दे शुड बी इमीडिएटली प्रॉम्प्टेड. जैसे मैंने लास्ट एग्जाम्पल में बोला था आपको कि यूजर नेम का मिस्टेक है और उसने जाके 2-3 पेज के बाद में उसको बोला कि भाई तेरा ये नंबर, यूजर नेम, पासवर्ड तूने छूट गया, या तूने बोला नहीं, या तूने प्रॉपरली डाला नहीं, तो दैट इज नॉट सजेस्टेड ओवर हियर. देन इफ एरर अकर्स, द एरर शुड बी आइडेंटिफाइड बाय वैलिडेशन चेक बिफोर द प्रोसेसिंग बिगिंस. प्रोसेसिंग होने के बाद में फिर एरर नहीं बताने का. एरर के जो भी प्री वर्क है वो प्रोसेसिंग के पहले बता दो, तो वैलिडेशंस के हिसाब से, जैसे इनपुट लेते समय पिन कोड ये 6 डिजिट का होना चाहिए, इनपुट लेते समय अगर नंबर जो है वो अगर 10 डिजिट, फोन नंबर जो है वो 10 डिजिट का नहीं आया, तो इट शुड जनरेट द एरर देयर इटसेल्फ बाय वैलिडेशन चेक, ताकि पूरा प्रोसेस होने के बाद एरर ना मिले. पहले ही एरर हो गया, वहीं के वहीं सॉर्ट आउट हो गया, तो प्रोसेसिंग टाइम इज रिड्यूस्ड. फिर उसके बाद में टू अवॉइड एक्सीडेंट एग्जिट अ कॉमन मिस्टेक ड्यूरिंग डेटा एंट्री, सो एक्सप्लिसिट एग्जिट कमांड शुड बी प्रोवाइडेड. यानी अचानक से कोई बाहर नहीं निकलेगा, दे विल आस्क यस आर यू श्योर यू वॉन्ट टू एग्जिट दैट वे. इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट दैट सिंपल प्रोसीजर फॉर एरर करेक्शन इज डिजाइन. जब भी जहां पे भी एरर एक्सपेक्टेड है तो उसके रेलेवेंट एरर करेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है. जैसे एडिशन ऑफ टू नंबर्स है, एक ने किसी ने नंबर की जगह अल्फाबेट डाल दिया, तो जैसे ही अल्फाबेट डाला क्या वापस से वो सिस्टम उस यूजर से नंबर मांग रहा है कि नहीं? और जब तक ये नंबर नहीं मांग रहा है, जब तक ये यूजर नंबर नहीं इनपुट कर रहा है, वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए. सो दैट टाइप सिंपल प्रोसीजर शुड बी देयर फॉर एरर करेक्शन. नेक्स्ट इज सिक्वेंस टॉलरेंट. इनपुट शुड बी सिक्वेंस टॉलरेंट मीन्स वॉट? जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल, अ यूजर फ्रेंडली सिस्टम अलाउज अ यूजर टू मैनेज
सर्टन इनपुट्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को आदत होती है पहले सरनेम लिखते हैं फिर नाम लिखते हैं, कहीं पे हम लोग फर्स्ट नेम लिखते हैं फिर सरनेम लिखते हैं, तो अब हमको कैसे एक्सपेक्टेड चाहिए, फर्स्ट नेम पहले फिर सरनेम चाहिए, या पहले सरनेम फिर फर्स्ट नेम चाहिए, या पहले नेम और सरनेम का पहला अल्फाबेट कैपिटल में चाहिए, तो उस हिसाब से हमारे सिस्टम में यूजर को फ्रीडम है वो कैसे भी लिखे, हमारे सिस्टम में वो हम जैसे एक्सपेक्टेड है वैसे फॉर्मेट में उसको ट्रांसफर कर ले, सो दिस इज कॉल्ड एज सीक्वेंस टॉलरेंट। नेक्स्ट है प्रोसीजर टॉलरेंट। प्रोसीजर टॉलरेंट में प्रोसीजर टॉलरेंस इज स्टिल अनदर फीचर ऑफ यूजर फ्रेंडली सिस्टम सच एज शॉर्टकट्स टू बाईपास मेनूज फॉर एक्सपीरियंस डेटा एंट्री ऑपरेशन, जैसे सम सिस्टम्स आर डिजाइन टू अलाउ द यूजर टू अनडू द प्रीवियस एक्शन, तो अनडू हो रहा है नहीं हो रहा है, डेटा गलती से डिलीट हो गया उसको वापस रिकवर हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीजें प्रोसीजर टॉलरेंस में आती है। ठीक है, मोस्ट कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड्स चेकिंग फीचर दैट रिक्वायर इंफॉर्मेशन कंफर्मेशन फ्रॉम द यूजर कि आपको आगे प्रोसीड करना है नहीं करना है, तो जैसे ही हम वापस से कंफर्मेशन का मैसेज डालते हैं यूजर को तो वी गेट दैट कि लाइक यूजर इज अटेंटिव कि हाँ वो जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो पूरा उसको समझ के फिर ओके पे या कैंसल पे जो भी है उसके नेक्स्ट एक्शन है उसने उसको डिजाइन किया है डिसाइड किया है। ठीक है, सो ये काय के लिए करते हैं, ताकि कंप्यूटर हैज करेक्टली इंटरप्रिटेड द डिजायर्स ऑफ द यूजर। अभी द पॉज फॉर कंफर्मेशन ऑल्सो गिव द यूजर उसको जैसे आर यू श्योर यू वॉन्ट टू डिलीट दिस फाइल, ठीक है, तो जैसे ये पॉज फॉर कंफर्मेशन आता है यूजर को टाइम मिलता है कि यार मैंने डिलीट कर दिया तो नेक्स्ट क्या, या अंडू किया कैंसल किया तो नेक्स्ट क्या, तो उसको उसकी जो नेक्स्ट सीक्वेंस है उसको रिवाइज करने के लिए उसको समझ में आता है, अगर उसने कुछ रॉन्ग इनपुट दिया है या रॉन्ग कमांड दी है तो उस हिसाब से उसको हैंडल करने के लिए उसके पास एक स्पेस रहता है जहां पे अगर सिस्टम अपनी प्रोसीजर टॉलरेंट है तो। कंफर्मेशन कैन पुट टू कमांड्स विच रिजल्ट इन द एक्शन दैट कैन नॉट बी करेक्टेड एंड विल कॉज प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स, तो इसलिए प्रोसीजर टॉलरेंस होना बहुत जरूरी। एक बार डिलीट कर दिया सपोज डेटा तो इट कैन नॉट बी रिवर्टेड बैक, तो जब आप यूजर को बोलते हो कि आपने अगर डिलीट किया डेटा तो आपको वापस नहीं मिलेगा, और फिर भी अगर यूजर डिलीट करता है तो इसका मतलब क्या, अब उसका डेटा हमेशा के लिए चला गया था, अब यूजर को पहले से पता होना हो गया है कि उस